मैं ओंकार सिंह शेखावत। दोस्तों, ये जीवन है ऊर्जा का एक भंडार है और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हम इस जीवन को जीते हैं, उसमें अधिक से अधिक सुख पाते हैं। जीवन के जब हम निर्णय लेते हैं तो कुछ निर्णय हम अपने विवेक से लेते हैं, कुछ अनुभव से लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीख हमें आती है दूसरों की गलतियों के, दूसरों के अनुभव से जब हम सीखते हैं तो जीवन की इस ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर पाते हैं। आज की कहानी में मुझे आपको यही बताना है। पुराने समय की बात है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था, उसका नाम दुर्दांत था। जैसा कि नाम था वैसे ही उसका काम था। जब दहाड़ वो मारता था तो पूरा पहाड़ कांप उठता था उससे। वो एक गुफा में रहता था, उसी गुफा के अंदर एक चूहे ने बिल बनाया हुआ था। तो वो चूहा करता क्या था, जब शेर भोजन करके सो जाता था तो वो चूहा आकर के उसकी गर्दन की बालों को कुतर दिया करता था। जब शेर उठता और वो बालों का ढेर देखता तो उसे बड़ा गुस्सा आता था चूहे के ऊपर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अब जैसे ही वो पंजा बढ़ाता उसको चूहे को पकड़ने के लिए तो चूहा बिल के अंदर घुस जाता। अब शेर ने सोचा कि मेरे से तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, तो वो अब बाहर निकला किसी समाधान की खोज में। जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक बिलाव मिल गया। उसने कहा कि बिलाव भाई नमस्कार। उसने डरते डरते नमस्कार कहा कि ये शेर मुझे क्यों नमस्कार करता है। उसने कहा कि देखो मित्र, तुम बेकार में सारा दिन शिकार के पीछे घूमते हो, मेरी गुफा में आकर के रहो, मैं तुम्हें ताज़ा मांस ला कर के दूंगा, मैं भोजन दूंगा, वहाँ दोनों का समय भी कट जाएगा, बातें करेंगे, तुम्हारी भोजन की चिंता मिट जाएगी। शुरू में तो बिलाव थोड़ा सा डरा कि शेर के पास रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बाद में उसने सोचा कि चलो जब इतनी बार आग्रह कर रहा है तो देखते हैं। बिलाव उसकी गुफा में आकर के रहने लग गया और उसकी आवाज़ सुन जैसे ही चूहे को पता चला कि यहाँ के बिलाव भी आ गया है तो उसने बिल से निकलना बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब वो अंदर ही रहने लगा था क्योंकि उसे खतरा मालूम था। शेर का लेकिन काम हो गया था, अब चूहा उसके बाल कुतरने के लिए बिल से बाहर नहीं निकल पाता था, वो चैन से सो पाता था। लेकिन शेर को एक बात पता थी कि अभी समस्या पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि चूहा तो बिल के अंदर ही है। अब क्या हुआ, जब एक दो महीने हो गए तो वो चूहा बिल में रहते रहते तंग आ गया। उसने कहा कि कुछ भी हो अब तो बाहर निकलेंगे, डर डर के जीने से क्या फ़ायदा। ये सोच करके चूहा बाहर निकला। बाहर निकला, बिलाव ने झपट्टा मारा, उसको पकड़ के मार दिया। मार दिया तो अब शेर ने बिलाव को खाना देना बंद कर दिया। खाना देना बंद कर दिया तो बिलाव ने दो तीन दिन के बाद उसे कहा कि भाई मैं भूखा हूँ तीन दिन से, तुम मुझे भोजन नहीं दे रहे हो, तुम तो ये कह के लाए थे। तो शेर उसकी तरफ गुर्राया तो बिलाव समझ गया। बिलाव ने सोचा कि अब यहाँ से चलने में ही भलाई है। कहानी यहाँ समाप्त होती है। इससे हमें सीख क्या मिलती है, एक तो चूहा जैसा छोटा प्राणी भी शेर को परेशान कर सकता है, यानी किसी भी जीव को, किसी इंसान को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आपको कोई ऐसा प्रस्ताव या गिफ्ट देता है जिसमें आपको उसका कोई कारण समझ में नहीं आता, बिना वजह के दे रहा है, तो उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर है, कोई न कोई चाल जरूर है, वो हमें समझनी चाहिए। तीसरी सीख ये भी मिलती है कि शेर जो समस्या का समाधान नहीं कर सकता था वो उसने बिलाव के सहयोग से किया, यानी कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, उसका मकसद हासिल करने के लिए हमें सदैव दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें दूसरों से रिलेशन बना करके रखने चाहिए। और अंतिम सीख इस कहानी से ये मिलती है कि राजा या मालिक की चिंता कभी ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। अगर मालिक की चिंता ख़त्म हो गई तो आपका
अस्तित्व, आपकी नौकरी भी उस दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं होता, शेयर गलत नहीं था, कोई मालिक गलत नहीं होता, लेकिन ये संसार का नियम है कि जिस इंसान की जब तक आवश्यकता रहती है तभी तक उसको पूछा जाता है। पुराने समय में भी इतिहास से देख लीजिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक ग्वाले के रूप में पाया था, उसे युद्ध कला सिखाई, उसे शास्त्र सिखाए, उसे राजनीति सिखाई, उसे कूटनीति सिखाई और उसके साम्राज्य का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। लेकिन जब चंद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट बन गया तो सबसे पहले उसे चाणक्य पर गुस्सा आना शुरू हो गया। चाणक्य ने भी समझ लिया था कि अब यहाँ अपमान सहने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, चाणक्य के अंतिम दिनों का किसी को नहीं पता है, उसकी किताबों का पता है, उसकी नीतियों का पता है, उसने कैसे युद्ध जीते ये पता है, लेकिन चाणक्य का क्या हुआ अंत में ये अज्ञात है। कुछ लोग तो कहते हैं कि चाणक्य चुपचाप एक दिन नगर से गायब हो गए थे, वो कहीं जंगल में जाके रहने लगे थे, वहीं जाके उनकी मृत्यु हुई। ये संसार का नियम है, इसलिए अपनी आवश्यकता को, अपने महत्व को किसी भी वजह से ख़त्म ना होने दें। आज बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। अगर ये कहानी अच्छी है तो लाइक और शेयर करें। नमस्कार।